स्केल फैक्टर एंड सिमिलैरिटी. स्केल फैक्टर, अ स्केल ड्रॉइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेम शेप एज द ऑब्जेक्ट बट अ डिफरेंट साइज. एक ऑब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हैं, स्केल के मुताबिक मॉडल जैसे बनाते हैं ना कुछ चीज़ों के मॉडल्स, तो उसको हम बोलते हैं स्केल फैक्टर. और सिमिलैरिटी के इसके ऊपर, द स्केल ऑफ ड्रॉइंग इज कंपेरिजन ऑफ लेंथ यूज ऑन ड्रॉइंग टू द लेंथ इट रिप्रेजेंट्स. द स्केल इज रिटन एज द रेशियो. कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इन सिमिलर फिगर इज कॉल्ड द स्केल. स्केल फैक्टर इज इक्वल टू लेंथ इन इमेज बाय करस्पॉन्डिंग लेंथ इन ऑब्जेक्ट. लेंथ इन इमेज बाय करस्पॉन्डिंग लेंथ इन ऑब्जेक्ट. उसका इमेज में क्या लेंथ है डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट में उसका क्या लेंथ है. मान लीजिए अगर तुम्हारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट इमेज का लेंथ तुम्हारा 12 है, ओके, ऑब्जेक्ट का लेंथ उसका 4 है, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज स्केल फैक्टर 3. ओके, तो ऑब्जेक्ट व्हाट इज इट, इमेज का लेंथ कितना है डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का लेंथ दैट इज द स्केल फैक्टर. तो इफ वन शेप कैन बिकम अनदर रीसाइजिंग देन द शेप्स आर सिमिलर. सो द अगेन दिस व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दिस हैज नथिंग टू डू विद आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग. इट हैज ओनली इन्फॉर्मेशन गिवन टू यू एंड इवन इफ एट ऑल यू कैन स्किप ऑफ दिस पार्ट ऑल्सो टू बाय एंड लार्ज एक्सटेंड. थोड़ा उसको देख के आगे तुम जा सकते हो. तो यहाँ पर आप स्केल फैक्टर देख सकते हो, रोटेशन हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर क्या हो रहा है फ्लिप हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है ट्रांसलेशन और स्लाइडिंग भी हो रहा है. तो हेंस टू शेप्स आर सिमिलर व्हेन वन बिकम द अदर आफ्टर रीसाइज फ्लिप स्लाइड और रिटर्न. अगर ये कंडीशन में अगर फिर एक दूसरे के बराबर हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज व्हाट इज इट सिमिलैरिटी हम इसको बोलते हैं. अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, एक बोट है, एक्चुअल बोट है, ये बोट का मॉडल है, दिस इज द एक्चुअल बोट एंड दिस इज द मॉडल ऑफ द बोट गिवन टू अस. अ मॉडल ऑफ अ बोट इज मेड इन द स्केल ऑफ 1:4, यानी जो कुछ भी बोट का होगा वो 1:4 रेशियो में यहाँ पर बनाया जा रहा है. द मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, दिस इज द मॉडल. बोट कैनॉट बी 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, यू कैनॉट एक्सपेक्ट अ स्मॉल बोट एंड मॉडल कैनॉट बी एज लार्ज एज बोट. मॉडल के बराबर बोट नहीं हो सकता और बोट के बराबर मॉडल नहीं हो सकता है. तो मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग. देखो फुल साइज ऑफ द बोट हैज अ विड्थ ऑफ 60 सेंटीमीटर. अगर बोट का विड्थ 60 सेंटीमीटर है तो मॉडल में उसका 1/4 आना चाहिए, क्योंकि मॉडल का साइज जो है वो बोट का क्या है 1/4 है. जो कुछ भी बोट का टोटल साइज है उसको डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो मॉडल का साइज आएगा. अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि साइज विड्थ बोट का विड्थ कितना बता रहा है, वो 60 बता रहा है. तो स्केल के मुताबिक मॉडल का क्या होगा, तो मॉडल का विड्थ क्या होगा, विड्थ ऑफ मॉडल, व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू, आपको क्या लगता है विड्थ ऑफ मॉडल क्या करना पड़ेगा मुझे. यस 1/4 ऑफ व्हाट, या फुल साइज ऑफ बोट. एंड व्हाट इज द फुल साइज ऑफ विड्थ ऑफ बोट, यहाँ पर 60 दिया है तो कितना होगा 15 सेंटीमीटर्स होगा, राइट. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है. आप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, एग्जाम में सब्जेक्टिव आएगा. तो चार ऑप्शन के बजाय डायरेक्टली आप इसको 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है. नेक्स्ट है, व्हाट विल अफेक्ट द सिमिलैरिटी ऑफ टू पॉलीगॉन्स, दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल फ्लिप करने से सिमिलैरिटी अफेक्ट नहीं होगा. दे आर डायलेटेड बाय स्केल फैक्टर, उससे भी सिमिलैरिटी नहीं अफेक्ट होता है, क्योंकि स्केल फैक्टर तो हो सकता है, सिमिलैरिटी का मतलब ही होता है रेशियोज में डिवाइड करना, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है. दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, वो भी हमने देखा कि ट्रांसलेटेड चलता है, मगर कब प्रॉब्लम आता है, दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर. अगर वो मिरर इमेज ही नहीं है तो वो कैसे सिमिलर होगा, मिरर इमेज एक फिगर अलग है और मिरर में अलग है तो नहीं चलेगा. तो द रॉन्ग आंसर यहाँ पर क्या आ सकता है, दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, राइट. तो द करेक्ट आंसर इज द 4th one, दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर. नेक्स्ट आता है, इफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स हैव अ स्केल फैक्टर ऑफ ए इज टू बी, दो सिमिलर ट्राइंगल का क्या है ए इज टू बी अगर है तो विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्राइंगल्स इज ट्रू. पेरीमीटर इज इन द रेशियो ऑफ 3:3a:b, altitude is in the ratio of a is to b, or median is in the ratio of a by 2 is to b, or angle bisector is in the ratio of a square is to b square. See here, can you tell me what will be the answer? Yeah, second one, because agar ye a is to b ratio ko maintain karna hai, to baki sab kisi kaam ke nahi hai ye. So this is wrong and this is also wrong, because aap dekhiye yahan par, agar tumhara triangle ka ratio a is to b hai,
तो मीडियन का रेशियो, अल्टीट्यूड का रेशियो भी क्या होना चाहिए, ए इज टू बी, देन ओनली आई कैन से इट इज सिमिलर. अगर वो रेशियो मेंटेन नहीं रहा तो सिमिलरिटी कहाँ से मेंटेन होगी. सो अगर इसको अगर सब्जेक्टिव में पूछना है तो मैं ऐसे पूछूंगा कि इफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स हैव अ स्केल फैक्टर ऑफ ए इज टू बी, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इट्स अल्टीट्यूड, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इट्स अल्टीट्यूड. तो जो रेशियो उसका है वही रेशियो ए इज टू बी आएगा एक मार्क के लिए. यहाँ पर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि व्हाट फैक्टर अफेक्ट्स द सिमिलरिटी ऑफ टू पॉलीगॉन्स यूजुअली, तो आप बोल सकते हो कि इफ़ वन इज नॉट द मिरर इमेज ऑफ द अदर, अगर एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है तो वो सिमिलर नहीं हो सकता है. शैडो ऑफ अ स्टिक 5 मीटर लॉन्ग इज 2 मीटर. देखिए ये आपके पास ये स्टिक दिख रहा है आपको और इसका शैडो कितना बता रहा है, वो 2 मीटर बता रहा है. तो शैडो ऑफ अ स्टिक 5 मीटर लॉन्ग इज 2 मीटर. एट द सेम टाइम शैडो ऑफ अ ट्री इज 12.5. ये ट्री जो है वो 12.5 बता रहा है इसका शैडो. तो आपको हाइट ऑफ द ट्री ढूंढना है. तो बच्चों देखिए ये कौन से दोनों ट्रायंगल बन जाएंगे, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल बनेगा. देखिए ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है, दिख रहा है आपको, परपेंडिकुलर रहता है. स्टिक और ट्री दोनों परपेंडिकुलर है. एट द सेम टाइम होने की वजह से ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सिमिलर होगा, इक्वल होगा. तो टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल. तो इसको अगर मैंने नाम दे दिया टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द साइड्स आर इन प्रोपोर्शन. एंड व्हाई टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बिकॉज टू एंगल्स आर इक्वल. दो एंगल्स इक्वल है तो टू ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया. ओके, सो दिस इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई चिल्ड्रन देन दिस विल बी इक्वल टू BC इज इक्वल टू 12.5 इनटू 2 डिवाइडेड बाय 5 एंड दैट्स इक्वल टू हाउ मच, 12.5 इनटू 2 इज 2 5 आर 10 कैरी 1 2 2 इज 4 प्लस 1 इज हाउ मच 5 एंड 2 1 इज 2 दैट इज 25 बाय 5 एंड दैट्स इक्वल टू हाउ मच BC इज इक्वल टू 5 मीटर्स. ओके, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप. ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव विल नॉट बी आस्क्ड, बट इन केस इफ इट इज आस्क्ड फॉर MCQ, इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन MCQ, देन यू नीड नॉट राइट ऑल द स्टेप्स, एज आई हैव डन इट यू हैव टू डू इट. इफ इट इज आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स और समथिंग मोर देन दैट, देन यू नीड टू राइट डाउन द नेम ऑफ द ट्रायंगल्स, यू ड्रॉ द फिगर्स एंड राइट डाउन व्हिच एंगल्स आर इक्वल, हाउ दे आर सिमिलर, एंड देन यू हैव टू टेक दिस रेशियो. डायरेक्टली यू आर नॉट सपोज टू टेक द रेशियो. Only in case of MCQ also, if it is in MCQ, this also you don't write. Simply directly do it and get the answer. With your students' mathematical model of farmhouse with measurements, the attic floor ABCD in the model is a square. The beams that support the roof are the edges of a rectangular prism EFGHKLMN. E is the middle of AT, F is the middle of BT, G is the middle of CT, and H is the middle of DT. All the edges of a pyramid in the model have length of 12 meters. Here, actually, you feel as if it is very huge, something like that. But when you read the question, it is very simple. The question is, what is the length of EF? And where EF is one of the horizontal edges of the block. Now you see, the length of everything is 12 here given. A12, everything is what? 12. So what you need to find out, aapko EF find out karna hai. Bacho, AT ka midpoint hai E. AT का मिड पॉइंट है E और TF का मिड पॉइंट है, TB का मिड पॉइंट है F. तो आप इसको लोगे तो दिस साइड अपॉन दिस टोटल साइड, दिस साइड TE डिवाइडेड बाय दिस साइड TA एंड दिस साइड TF डिवाइडेड बाय दिस साइड TB, दे विल बी इन प्रोपोर्शन. बिकॉज अब देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा. और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा. और नहीं ये तो एक एंगल कॉमन टू बोथ है, वो एक कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो. नहीं है तो क्लास 9 स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ इट एंड पैरेलल टू इट. तो EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. आप डायरेक्टली भी ले सकते हो, EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. या तो फिर सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट हो गया, तो फिर से बता दो मैं आपको, दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल एंड दिस एंगल इज कॉमन टू बोथ, वो भी आप ले सकते हैं. तो इट्स अप टू यू टू डिसाइड व्हिच यू हैव टू टेक. तो मैं यहां पर क्या करता हूं, डायरेक्टली TE अपॉन, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर का ये टॉपिक है, इसलिए आई राइट TE बाय TA EF अपॉन AB इज इक्वल टू EF अपॉन AB. ओके, हाफ ऑफ इट. सो TE इज हाउ मच एंड TA इज हाउ मच, 12. तो
So TA is 12. EF we need to find out, and AB is how much? AB is 12. So directly I will cancel this. So what is that I am going to get here? EF is equal to 6 meters. Or directly I will write here EF is equal to half of AB by midpoint theorem. And so half of 12 is how much? 6. Half of 12 is 6 meters. तो आप मिडपॉइंट थ्योरम से भी कर सकते हो, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल फैक्टर से भी आप कर सकते हो. एम आर राइट? समझ में आ गया? यस सर.